राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहला नतीजा आ चुका है। प्रदेश में बीजेपी का खाता खुल गया। राजस्थान के नवगठित दूदू जिले की दूदू सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर हार चुके हैं। ये सीट बीजेपी के पास चली गई है। बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा ने यहां से जीत हासिल करते हुए बाबूलाल नागर को हरा दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी को 1,14,926 और कांग्रेस प्रत्याशी को 79,627 वोट मिले। इस तरह दूदू से बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा ने 35,299 वोटों से जीत हासिल की है। यहां पर 14 टेबलों पर 20 राउंड में दूदू विधानसभा सीट की काउंटिंग हुई। ये सीट कांग्रेस का गढ़ कहलाती है। कांग्रेस ने बाबूलाल नागर पर पांचवी बार दांव लगाया था। इससे पहले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने दूदू को जिला बनाकर मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया था, लेकिन सारे प्रयास धराशायी हो गए और बीजेपी ने प्रदेश में पहली जीत के साथ दूदू पर कब्जा कर लिया है। दरअसल जयपुर ग्रामीण के अंदर दूदू विधानसभा सीट आती है और ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव से पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने दूदू को प्रदेश का नया जिला बनाने का ऐलान कर दिया था। फिलहाल दूदू विधानसभा सीट जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा जीत चुके हैं। 2018 के चुनाव में दूदू विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को देखें तो इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल नागर ने 68,769 वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा को 53,990 वोट मिले थे और कांग्रेस उम्मीदवार रितेश बैरवा को 28,798 वोट मिले थे। कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई थी।